नमस्ते। अधुना संस्कृत कालांशः प्रारभ्यते। अब संस्कृत की कक्षा प्रारंभ हो रही है। अष्टमी कक्षाया द्वितीय पाठ। अष्टमी कक्षा का द्वितीय पाठ। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। विल की वाणी को कभी भी नहीं मैंने सुना, मेरे द्वारा नहीं सुना गया। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। बच्चों, यहां भी एक शेर और गीदड़ की कथा के द्वारा पंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हमें बहुत सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। इस कथा को हम पढ़ते हैं और इस कथा के द्वारा शिक्षा प्राप्त करेंगे। कस्मिश्चित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिन प्रश्चित किसी वने वन में खर नखर नाम का एक सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। सिंहस्य नाम का अस्ति, सिंहस्य नाम खर नखरा अस्ति, खर नखरा का अस्ति, खर नखरा सिंह अस्ति, खर नखर सिंह कुत्र वसति, खर नखर सिंह वने प्रतिवसति स्म। सः कदाचित इतस्तता परिभ्रमन क्षुधार्ता न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। सः सिंह वह शेर कदाचित कभी इतस्ततः इतः तथा इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ क्षुधार्ता क्षुधा प्लस आर्ता भूख से पीड़ित न किंचिदपि किंचित प्लस अपि कुछ भी आहारम न भोजन नहीं प्राप्तवान प्राप्त किया। उस शेर ने इधर उधर घूमते हुए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। कहा भोजनम न प्राप्तवान सिंह भोजनम न प्राप्तवान। सिंह किम न प्राप्तवान सिंह आहारम न प्राप्तवान। सिंह कीदृशा आसीत सिंह क्षुधार्तः आसीत। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये सूर्य के अस्त होने के समय एकां महतीं गुहां एक बहुत बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देख करके सः वह शेर अचिन्तयत् सोचने लगा। सिंहा कदा अचिन्तयत् सिंहा सूर्यास्त समये अचिन्तयत्। सिंहा सूर्यास्त समय काम दृष्ट्वा चिंतियत। सिंहा सूर्यास्त समय महतीं गुहां दृष्ट्वा चिंतियत। प्रिय बच्चों, यहां गुहां विशेष्य है और इसके दो विशेषण है। एकाम महतीं ये दोनों शब्द इसके गुहां के विशेषण हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं और जिनके द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। नूनम निश्चय से एतस्याम गुहायाम रात्रु कोपि जीवा आगच्छति। निश्चय से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, कोई प्राणी आता है। जीवा कदा आगच्छति जीवा रात्रु आगच्छति। रात्रौ कहा आगच्छति रात्रौ जीवा आगच्छति। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए अत्र एव यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। प्रिय बच्चों, इसके अंतर्गत बहुत से अव्यय शब्द हैं। जैसे यहाँ इस पंक्ति में हम देखेंगे तो इतस्तता अव्यय है। अव्यय उनको कहते हैं जिनके रूप नहीं चलते, जो शब्द हमेशा अपरिवर्तनशील है, जो विकारी नहीं है, परिवर्तन नहीं है, अविकारी शब्द है। न नहीं, ततः फिर, और इसी प्रकार से नूनम निश्चय से अपि भी अत्र यहां एव ही इति समाप्ति का सूचक है। तो ये शब्द अव्यय शब्द हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधि पुच्छः नामका श्रृगाला समागच्छत्। इसी अवसर पर इस एतस्मिन् अंतरे इसी के बाद में गुहा का उस गुफा का स्वामी
दधी पुच्छ नाम श्रृगाल, दधी पुच्छ नाम का श्रृगाल गीदड़ समागच्छत वहां आ गया, अपनी गुफा में आ गया। सच यावत वह जब तक पश्यति देखता है, ताबस सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो गीदड़ आ रहा है और शेर के पैरों के निशान है, ये पंजे हैं, ये सिंह गुफा में प्रवेश कर रहा है और उसके पैरों के ये निशान है, ये श्रृगाल अस्ति गीदड़ है। अब गीदड़ अपनी गुफा में देख रहा है और शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं, आते हुए वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तुम क्या देखता है? सच यावत पश्यति, हुआ गीदड़ देखता है सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न बहिरागता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। श्रृगाल अचिंत्य, श्रृगाल सोचने लगा, अहो विनष्टोऽस्मि, अब तो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले, निश्चय से इस गुफा में सिंगा अस्ति इति शेर है, तर्कयामि विचार करता हूँ, तत्किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूँ। गुहाया स्वामी कहा आसीत, गुहाया स्वामी दधिपुच्छा श्रृगाल आसीत, श्रृगाल कस्या स्वामी आसीत, गुहाया स्वामी आसीत, श्रृगाल गुहायाम का दृश्यते सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, श्रृगाल किम अचिंत्यत, श्रृगाल अचिंत्यत विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंगा अस्ति इति तर्कयामि। दूरस्था रवम कर्तुम आरब्ध, श्रृगाल ने दूर जाकर के रवम आवाज ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया। ये श्रृगाल दूर से आवाज कर रहा है, भो विल अपनी गुफा से कर रहा है, भो विल अरी गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम याद नहीं कर रही हो, यन मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति, मैंने तुम्हारे साथ समय, समय शब्द का अर्थ यहाँ काल नहीं है, समय का अर्थ है प्रतिज्ञा, मैंने तुम्हारे साथ एक प्रतिज्ञा की है, यदा हम जब मैं बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि बाहर से वापस लौट के आऊंगा, तदा त्वम तब तुम माम आकारयिष्यसि, मुझे बुलाओगी पुकारोगी, यदि त्वम माम न आवयसि, अब तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरी अहम द्वितीयम विलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में अर्थात गुफा में चला जाऊंगा। ये गीदड़ बहुत ही चालाक है, अब ये अनुमान लगाने के लिए कि मेरी गुफा में शेर है या नहीं, तो गीदड़ ने एक अपनी बुद्धि की चतुरता से परिकल्पना की और उसने झूठ मूठ में ही अपनी गुफा के लिए कहा, अरे गुफा तुमने मेरे साथ एक प्रतिज्ञा की है कि तुम मुझे जब मैं बाहर से आऊंगा तुम मुझे बुलाओगी, अब तुम आज क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रही हो, क्यों मेरा सम्मान नहीं कर रही हो, तुम मुझे क्यों नहीं पुकार रही हो, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अत तत्सुप्वा सिंघा चिंतित, ये सोच करके सुन करके सिंघा चिंतित शेर सोचने लगा, एतत् प्रसुप्वा, यह सुनकर शेर सोचने लगा, ये शेर क्या सोचने लगा, नूनम एषा गुहा स्वामिना सदा समाह्वानम करोति, निश्चय से यह गुफा स्वामिना सदा समाह्वानम, स्वामी का हमेशा समाह्वान आह्वान करती है, अर्थात ये जो गुफा है ये निश्चय से अपने मालिक को अपने स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयाद न किंचे बदती, मेरे भय के कारण से कुछ नहीं बोल रही है। शेर विचार करता है ये गुफा में मैं आ गया हूं तो गुफा डर गई है, इस कारण से अपने स्वामी गीदड़ को नहीं बुला रही है। अथवा साध्वी इदम उच्चते, साधु इदम, ये अच्छा ही कहा गया है, ये निश्चय से ये वचन कहे गए हैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियः प्रवर्तन्ते न वाणी च देपतुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त दुखी मन वालों का हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर आदि जो क्रियाएं हैं, वाणी च और वाणी भी न प्रवर्तन्ते, नहीं प्रवर्तित होती हैं, अर्थात हाथ पैर वाणी ये काम नहीं करते हैं,
बेपतु और कांपना अधिक होता है, उसके कारण से कांपने लगते हैं। तो शेर विचार कराइए, मेरे आने के कारण से गुफा डर गई है, इसलिए ये अपने स्वामी को नहीं बुला रही है, वाणी से उच्चार नहीं कर रही है, क्योंकि जब भय आता है तो भय के कारण से, भय से दुखी मन वालों का हाथ पैर और वाणी अपने अपने काम में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो शेर कहता है मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, मैं ही इसको बुलाता हूँ। एवं सह विले प्रविश्य, उसने बिल में प्रवेश करके मैं भोज्य मविष्टि, मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार, ऐसा विचार करके सिंह सहसा शेर ने अचानक श्रृगाल से आह्वान मक्रोत, श्रृगाल का गीदड़ का आह्वान किया, उसको बुलाया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, शेर की गुफा में जो आवाज गई और वो आवाज जब गुफा की दीवारों से टकराई तो उसे प्रतिध्वनि से सा गुहा हुआ गुफा उच्च ही श्रृगालम आह्वयत, जोर से श्रृगाल को बुलाया। अनेन अन्यपि पशुः भयभीता, जिससे अन्य भी पशु भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि तदा दूरम पलायमानः इमम अपतत, श्रृगाल भी वहां से दूर भागता हुआ यह बोला। अब श्रृगाल को जब शेर ने आह्वान किया बुलाया तो श्रृगाल ये समझ गया कि इस गुफा में शेर है, और इस चित्र के द्वारा भी यहाँ दर्शाया गया है कि यहाँ चित्र में पक्षी बैठे हैं, अश्विन वृक्षे पक्षिणः सन्ति, तो पक्षिणी भी कोलाहल करने लगे शेर की आवाज को सुन करके, और अन्य भी जो पशु प्राणी है जंगल में रहने वाले वे सभी शेर की गर्जना सुन करके भागने लगे। तो इस चित्र के द्वारा भी यहाँ इस कथा के भाव को प्रदर्शित किया गया है। संस्कृत प्रश्न उत्तराणी, केशाम हस्तपादात क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादात का क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्त मनसाम कहा न प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादात का वाणी च न प्रवर्तन्ते। अस्य किम करोमि, अहम अस्य आह्वानम करोमि, विले प्रविश्य किम भविष्यति, विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, कहा सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अक्रोध, सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अक्रोध, सिंह कस्य आह्वानम अक्रोध, सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अक्रोध, कस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम आह्वयत, सिंह से उच्च गर्जने प्रतिध्वनिना गुहा श्रृगालम आह्वयत। के भयभीता अभवन, पशवः भयभीता अभवन, कहा दूरम पलायमानः, श्रृगालः दूरम पलायमानः इमम अपठत, श्रृगालोपि दूरम पलायमाना इमम अपठत, श्रृगाल भी दूर भागता हुआ, ये भाग रहा है श्रृगाल, और इसने ये श्लोक पढ़ा। शेर जब गर्जना कर रहा है तो श्रृगाल श्लोक पढ़ता है, अनागतम यः कुरुते सशोभते ससोच्यते यो न करोत्यनागतम, बने त्रसंस्तस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस श्लोक के द्वारा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी श्रृगाल के माध्यम से हमको एक शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यह अनागतम कुरुते, जो अनागतम, जो चीज अभी नहीं आई है, एक शब्द है आगत, आया हुआ, और आगत का विलोम है अनागतम, जो चीज अभी नहीं आई है, आने वाले कल के लिए, यह कुरते जो उपाय सोचता है विचार करता है, सशोभते वही जीवन में शोभायमान होता है, वही जीवन में सुशोभित होता है, सफलता प्राप्त करता है। कौन सफलता प्राप्त करता है, जो आने वाले भविष्य का उपाय पहले से करता है। सोचते वही दुखी होता है, यह न करोति अनागतम, अनागतम जो अभी आया नहीं है उसका उपाय जो नहीं करता है, उसके विषय में जो चिंता नहीं करता है, वही दुखी होता है। जैसे इस कहानी में गुफा में प्रवेश करने से पहले ही श्रृगाल ने यह विचार कर लिया, शेर के पैरों के निशान देख के इसमें गुफा है,
और उसने अपनी जीवन की रक्षा कर ली प्राणों की। इसी प्रकार से हमें भी आने वाली विपत्तियों का पहले से ही आभास हो जाए तो अपनी बुद्धिमानी से अपनी जीवन की रक्षा करनी चाहिए। और श्रीकाल कहता वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र बने इस वन में संस्थस्य रहते हुए मेरे जरा समागता, मुझे बुढ़ापा आ गया। ये श्रीकाल कह रहा है कि मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, विल की वाणी को गुफा को बोलते हुए मैंने आज तक नहीं सुना। अर्थात कह रहा है गुफा को भी बोलती नहीं है और शेर मूर्ख बन गया, उसने गुफा बोलती है ये बिना विचार किए शेर ने गर्जना की और उसने अपने प्राणों की रक्षा कर ली। तो बच्चों इस पाठ के द्वारा हमने यहाँ विचार किया कि ये जो कहानी है इस कहानी के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि विष्णु शर्मा पंचतंत्र में ऐसी सुंदर कहानियों के द्वारा हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि आने वाली विपत्ति की हमें पहले से ही उपायों के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। कोई भी संकट मुसीबत आई है, जैसे इसमें हमारे देश में कोरोना का संकट है, तो हमें अपने घर में ही अंदर रहें, बाहर न जाएं, बार बार हाथ धोएं, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, तो इस कोरोना से हम अपनी जीवन की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे जीवन में बहुत से आने वाले संकटों की हम पहले से उपाय के द्वारा रक्षा कर सकते हैं। इस पाठ का अभ्यास मैं आपको अलग से भेज रहा हूँ, उसको आप करेंगे और इसी प्रकार से संस्कृत और हिंदी के दोनों विषयों के मैं आपको वीडियो के माध्यम से और अलग से प्रश्नों की सामग्री भेज रहा हूँ। आप सब बच्चों से मेरी प्रार्थना है अपने घर में अपने माता पिता के साथ में बड़े श्रद्धा प्रण से रहें और घर में बैठ के पढ़ाई जरूर करें, अपनी कॉपी में अपना काम करते रहें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।